धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बसेड़ी क्षेत्र में बाइक और ट्रैक्टर में भीषण भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ने बसेड़ी क्षेत्र के गड़ी फकीरा के समीप नादनपुर मोड़ की तरफ से आ रही बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार दो जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको 108 एम्बुलेंस की मदद से बसेड़ी सीएससी लाया गया, लेकिन गंभीर हालत होने की वजह से दोनों घायलों को जिला चिकित्सालय धौलपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन दोनों घायलों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार दोनों मृतक दिनेश कुशवाहा निवासी पीपरीपरा और सुनील शर्मा निवासी बरई मजदूर थे, जो मजदूरी करके अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करते थे। दोनों की मौत के बाद से ही परिवारिक जनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। वहीं उनके परिवारों के सामने पेट पालने की विकराल समस्या खड़ी हो गई है। जिले के बसेड़ी थाना इलाके के गांव सलेमपुर में बीते दिनों हुई दो भैंसों की चोरी का मामला तूल पकड़ रहा है। इसे लेकर आज बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोली के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां जिला पुलिस अधीक्षक मर्दुल कछावा से मुलाकात कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। जानकारी के मुताबिक बीती 1 तारीख को अज्ञात चोर गाँव में आए और दो भैंसों को पिकअप में चोरी कर ले जा रहे थे, तभी ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद उन्होंने चोरों का पीछा कर एक चोर को पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने पूरे मामले को लेकर नाम दर्ज एफआईआर दर्ज कराई थी और चोर के अन्य साथियों के नामों का खुलासा करने की मांग की थी, लेकिन घटना को 7 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस अन्य आरोपियों के नाम खोलने और उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। इससे नाराज ग्रामीण आज बड़ी संख्या में एसपी कार्यालय धौलपुर पहुंचे और पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की। मामले में पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों को जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। मैं सुखराम कोली पूर्व विधायक बसेड़ी से, मेरे गांव से 1 अगस्त को रात को भैंस चोरी हुई थी। प्रदीप सनौप बिज्जू और गोपाल सनौप बुलाकी जाति आवास, उनकी भैंस चोरी हुई। उन भैंसों के खोज लेते हुए हम आगे निकले और वहां पर पिकअप जो RJ11GB4249 और उसमें एक ड्राइवर और एक उसके साथ में बैठा हुआ व्यक्ति, इनको गाँव वालों ने पुलिस के सहयोग से पकड़ा था और पकड़ करके उन्हें लगभग सुबह 2 अगस्त को सुबह 6 बजे के आसपास पुलिस थाना बसेड़ी में उनको सुपुर्द कर दिया था। परंतु हमें जो आश्वासन दिया गया था ये था कि हम 4 दिन में भैंस जो वास्तविक भैंस सो रहे हैं उनके नाम हम उजागर कर देंगे, परंतु आज 8 अगस्त हो गई, आज तक उनके नाम उजागर नहीं है। उसके एवज में जो 2 व्यक्ति गाँव वासियों ने सुपुर्द किए थे, उनमें से 1 व्यक्ति को जैसा संज्ञान में आया, 1 व्यक्ति को कोतवाल साहब बसेड़ी ने छोड़ दिया है और 1 का चालान कर दिया है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो जो इलाके में जो जितनी भी चोरियां हो रही हैं, ये चोरियों की वारदात बढ़ेगी। ऐसा लग रहा है कि कोतवाल साहब ये नहीं चाहते कि इस इलाके से चोरियां बंद हों, वो ये चाहते हैं कि चोरियां और बढ़ें, क्योंकि अगर तो ये पूरी अगर आज ये चोर पकड़े जाते हैं, उनके नाम खुलासा होते हैं, तो पूरे इलाके से जो चोरी है वो चोरी बंद हो सकती है, जिससे जो आमजन है उसको अपनी तसल्ली मिलेगी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कोतवाल साहब का पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, मुझे कोई या तो ऐसा हो सकता है कि पैसे का लेन देन करके इन्होंने कोतवाल साहब ने ये किया है, जिसकी शिकायत हमने आज पूरे ग्रामवासियों के साथ में पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने दी है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने उचित कार्रवाई करने का हमें आश्वासन। राधेश्याम परमार, ग्राम सलीमपुर। क्या मामला है? भैंस चोरी का, भैंस चोरी का, भैंस चोरों को गिरफ्तार कराना है। आज आपने ज्ञापन किस तौर पर दिया है? चोरों को गिरफ्तार कराने के लिए दिया। जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी बदमाश धीरज गुर्जर उर्फ धीरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 देसी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस भी बरामद किया। गिरफ्तार दस्यु धीरज गुर्जर कुख्यात डकैत रामलखन और केशव गुर्जर गैंग का सक्रिय सदस्य है, जिस पर हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती सहित संगीन धाराओं में 11 मामले दर्ज हैं। इनामी दस्यु पर धौलपुर के अलावा निकटवर्ती करौली जिले में भी मामले दर्ज हैं। सरमथुरा थाना प्रभारी धर्म सिंह ने बताया कि इन दिनों जिले में बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सरमथुरा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि दस्यु धीरज गुर्जर अपने घर खिड़की इंदौरा आया है, जिस पर SHO धर्म सिंह मैं जाप्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस की टीम को देखकर एक बार बदमाश ने मौके से भागने का भी प्रयास किया, लेकिन बाद में पुलिस ने दस्यु को ब्रिजा के पास जंगलों से घेरा देकर गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 1 देसी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है। पुलिस गिरफ्तार बदमाश से वारदातों और उसके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार किया है? हाँ, आज 5,000 रुपए का इनामी बदमाश रखे थे धीरा गुर्जर,
उसको सरमथुरा थाना की जो टीम है उसने आज गिरफ्तार किया है। ये हमारे जो जिला धौलपुर के टॉप 10 में वॉन्टेड क्रिमिनल था और श्रीमान जो DIG साहब हमारे रेंज भरतपुर के और जो SP साहब धौलपुर हैं उनके मार्गदर्शन में निर्देशानुसार डांग को दशा उन्मुक्त कराने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत हमने आज इसको घेरा देकर गिरफ्तार किया है। कितने अपराध हैं सर इसको? इसके अगेंस्ट में 11 प्रकरण दर्ज है। बेसिकली मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डेकोरेटी लूट, पुलिस मुजामत इनसे रिलेटेड है और रेगुलर एक्टिव है कि कुछ मुकदमे 2012 के हैं, 16 के हैं, 18 के हैं, तो काफ़ी एक्टिव है ये जो डकैत है। डॉक्टर मंगल सिंह सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में आज सुबह 2 युवकों में जमकर लात घूंसे चले। इससे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। कथित आरोप है कि एक व्यक्ति दवा ले रहा था, इस दौरान पीछे से उसकी जेब से दूसरे व्यक्ति ने रुपए निकाल लिए, जिस पर दोनों में कहासुनी हो गई। इसके बाद जमकर दोनों में लात घूंसे चले, जिससे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कराकर मामले को शांत कराया। हालांकि इसे लेकर एक भी पक्ष की ओर से पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। मैं दवाई लेने गया था डॉक्टर के पास, वहाँ पर मैं जेब निकाली, जेब से पैसे निकाले, फिर वहाँ आके मैंने वो पहचान लिया, उसके मैंने पूछा तो उसने दिवाली कर दी है। तो मामले के वो बताई क्या किसी ने, पुलिस ने रिपोर्ट कराई क्या? नहीं कराई। जिले के सदर थाना बाड़ी क्षेत्र में बीती रात ट्रक और इको गाड़ी की भिड़ंत में 2 महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार यूपी के सरहिंदी निवासी रूप सिंह अपनी पत्नी मोहन देवी के साथ अपने दामाद जगदीश के घर आंगी गांव में देवता की जात करने के लिए आया हुआ था, जहां देर रात्र को उसकी पत्नी मोहन देवी के पेट में दर्द होने पर गांव आंगई से इको गाड़ी द्वारा बाड़ी अस्पताल दिखाने के लिए आ रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी की भिड़ंत एक ट्रक से हो गई। इस हादसे में इको गाड़ी में सवार रूप सिंह और उसकी पत्नी मोहन देवी सहित आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में सदर थाना पुलिस ने राहगीरों की मदद से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन रूप सिंह और रामरण की नाजुक हालत होने के कारण ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को लेकर मौके से भाग गया। यहां से एक्सीडेंट की सूचना पर मैं गढ़ोपरा के पास पहुंचा, वहां पर एक गाड़ी थी, गाड़ी जिसमें अज्ञात वाहन में टक्कर मार दी। जात करे राय भी लोनी मैया आ गई, कल जाते जाते आज मैयू का दद्दू है, दो दिखावे ला रहे हैं। तो गेल में गाड़ी थी, कभी एक्सीडेंट हुए वो पता ना, पर मोड़ की गाड़ी चली गई है। कितने आदमी घायल हैं? धौलपुर जिले के सरमथुरा इलाके के दमो व गिरौनिया के जंगलों में रणथंभौर के टाइगर कई बार सैर कर गए हैं, लेकिन इस बार यहां से भी आगे गौशाला के जंगल में रणथंभौर के टाइगर ने पहली बार दस्तक दी है। वन विभाग की टीम को जंगल में टाइगर के पगमार मिलने के बाद टाइगर के मौजूद होने का पुख्ता सबूत मिला है। अब वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी गौशाला के जंगल में लगातार टाइगर की ट्रैकिंग करने में लगे हैं। पगमार्ग मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन ट्रैकिंग लगातार जारी है। करौली के वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी टाइगर का पीछा करते हुए गौशाला के जंगल तक पहुंच गए। गौशाला के जंगल में ट्रैकिंग के दौरान ताजा पगमार्ग मिलने पर टाइगर के जंगल में ही होने के पुख्ता सबूत मिलते ही जंगल में टाइगर की मौजूदगी देख सुरक्षा की दृष्टि से जंगल से सटे गाँव में अब वन विभाग के अधिकारी ग्रामीणों को सजग करने में लग गए हैं। वन अधिकारियों ने ग्रामीणों को रात में अकेला नहीं निकलने, जंगल में चरवाहों को जाने पर रोक लगा दी है, ताकि करौली जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। दरअसल रणथंभौर से 8-10 दिन पूर्व यही बाघ निकलकर करौली जिले के दुर्गसी घटा नाहरदह के जंगल में आ गया था, जहाँ 31 जुलाई को चरवाहा जंगल में पशु चराने गया तो बाघ चरवाहे को उठा ले गया। जंगल में चरवाहे के सबके पास बाघ के पग मार्क मिले थे, जिससे प्रतीत हुआ कि चरवाहे की मौत बाघ के हमले से हुई है। घटना के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने हरकत में आते हुए लगातार बाघ की ट्रैकिंग की जाने लगी। अब बाघ के पग मार्क धौलपुर जिले के सरमथुरा इलाके की गौशाला के जंगल में मिले हैं। बाघ की ट्रैकिंग में वन विभाग के लगभग 5 दर्जन अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 8 से 10 अगस्त तक 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में गांधी पार्क से गांधी संदेश यात्रा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शिवचरण मीणा एवं संयोजक दुर्गादत्त शास्त्री तथा सह संयोजक धर्मेंद्र शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में धौलपुर शहरवासियों, स्काउट गाइड, विद्यालय छात्र छात्राओं, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई।
संदेश यात्रा में गांधी जी के भजनों एवं छात्र छात्राओं द्वारा ढोल मजीरे बजाकर हाथों में गांधी जी के संदेश की तख्तियां लेकर नारे लगाते हुए धौलपुर शहर को गांधीमय बना दिया। संदेश यात्रा गांधी पार्क से पुरानी सब्जी मंडी, तोपतराया, संता रोड, बस स्टैंड, गुलाबबाग चौराया होते हुए पंचायत समिति धौलपुर पहुंची। गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान सर्वधर्म सभा का आयोजन कर गांधी जी के भजन रघुपति राघव राजा राम प्रस्तुति की गई। गांधी जयंती समारोह में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शिवचरण मीणा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र सिंह नरुगा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार वर्मा, संयोजक दुर्गादत्त शास्त्री, सह संयोजक धर्मेंद्र शर्मा, जिला प्रबंधन अधिकारी मनोज वर्मा, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राजकुमार मीणा, धौलपुर नगर परिषद सभापति कमल कंसाना, उप सभापति इसरार खान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, बसेड़ी के पूर्व प्रधान लाखन सिंह खेरोड़ा, कांग्रेस नेता मूला सिंह तोमर, ADPC समसा मुकेश गर्ग, तहसीलदार चंजीलाल शर्मा, विकास अधिकारी राजेश लवानिया, जिला शिक्षा अधिकारी महेश चंद्र रिजवानी, समाज सेवी अजय सिंह राणा, अनूप यादव, गजेंद्र सिंह यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, आमजन एवं जनप्रतिनिधियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पंचायत समिति धौलपुर परिसर में आयोजित सर्वधर्म सभा के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ने बताया कि हमें अपने जीवन में गांधी जी से प्रेरणा लेकर उनका अनुसरण करते हुए उनके समान आचार एवं व्यवहार करना हर व्यक्ति सीख ले तो गांधी जी की महत्वता बढ़ जाती है। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में पंचायत समिति धौलपुर में मोहन से महात्मा गांधी प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। 3 दिन तक चलने वाली प्रदर्शनी में 26 चित्रामय पोस्टरों के माध्यम से गांधी जी के सिद्धांतों एवं जीवन पर आधारित पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसका सभी ने अवलोकन किया। प्रदर्शनी का आयोजन जिला प्रशासन, महात्मा गांधी जयंती समारोह समिति धौलपुर तथा सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय धौलपुर के सहयोग से किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ने बताया कि मोहन से महात्मा बने गांधी जी पर आधारित प्रदर्शनी 8 से 10 अगस्त तक प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शिवचरण मीणा, संयोजक दुर्गादत्त शास्त्री, सह संयोजक धर्मेंद्र शर्मा तथा सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राजकुमार मीणा ने पुलवामा में शहीद हुए भागीरथ सिंह की वीरांगना रंजना देवी का शॉल उड़ाकर एवं मिठाई भेंट कर सम्मान किया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर पूरे राजस्थान की तरह धौलपुर जिले में भी भव्य आयोजन रखे गए हैं। आज 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त को धौलपुर जिले में विशेष आयोजन होंगे, जिसमें आज गांधी संदेश यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें विद्यालय, आम नागरिक और प्रबुद्ध जनों द्वारा हजारों की संख्या में भाग लिया गया। गांधी संदेश घर घर तक पहुँचे, हर व्यक्ति उसकी अनुपालना करे और गांधी के सपनों के भारत को साकार रूप दे, इसी के उपलक्ष्य में ऐसा आयोजन किया गया। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर, जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर AKS राठौर, मुंबई, MD शल्य तंत्र। मोबाइल नंबर 7000225503, 9165741677। जिले के बसैनवाव क्षेत्र स्थित चाकवाई से बदयाना मार्ग पर हो रहे दलदल से लोगों को भारी परेशानी का सामना करने को मजबूर होना पड़ रहा है। शिकायतों के बावजूद भी PWD के अधिकारी पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। आपको बता दें कि मनिया बसैनवाव सड़क मार्ग से निकले इस लिंक रोड पर बनी पुलिया टूट जाने पर यहाँ मरम मचा दी गई थी। बारिश होने के बाद यह मरम लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रही है। यहाँ हो रहे दलदल से फिसलन पैदा हो गई है, जिसके चलते दोपहिया वाहन चालकों के अलावा पैदल राहगीरों के लिए यहाँ से गुजरना मुश्किल हो रहा है। कई गांव के लोगों का यहां से आना जाना बना रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन PWD के मनमानी के चलते यहां सड़क पर पुलिया मरम्मत कार्य नहीं कराया जा रहा है, जिस कारण समस्या गहरा रही है। धौलपुर जिले के सैपऊ में स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर प्रशासन व देवस्थान विभाग की अपेक्षा का शिकार हो रहा है। मंदिर में जगह जगह से छज्जे टूटे हुए हैं, वहीं दीवारों पर पेड़ उग रहे हैं। इस मंदिर की देखरेख को लेकर ना तो उपखंड प्रशासन और ना ही पुरातत्व विभाग कोई ध्यान दे रहा है, जिसके चलते यह प्रसिद्ध मंदिर अपने अस्तित्व को खो रहा है, जिससे मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। मंदिर महंत लोकेंद्र पुजारी ने बताया कि इस ऐतिहासिक मंदिर को लेकर देवस्थान विभाग का ध्यान नहीं होने के कारण मंदिर काफी जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच चुका है। विभाग के द्वारा इस मंदिर के लिए राजभोग के नाम पर महज 1200 रुपए सालाना दिया जाता है, जो कि बहुत ही कम है। गौरतलब है कि यह ऐतिहासिक शिव मंदिर की ख्याति कई राज्यों में फैली हुई है। मंदिर के गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग
एशिया का सबसे लंबा माना जाता है। यहाँ फागुन माह में विशाल लक्की मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ सिर्फ 14 के दिन लाखों की तादाद में भक्त आते हैं। वहीं सावन माह में भी काफी तादाद में श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंचकर भगवान शिव की आराधना कर मनोती मांगते हैं। इस मंदिर की जीर्ण शीर्ण हालत को लेकर पूर्व में वसुंधरा सरकार के द्वारा इस मंदिर की मरम्मत के लिए कुछ बजट उपलब्ध कराया था, जिससे कुछ मरम्मत कार्य तो हो गया, लेकिन बजट कम होने के कारण मंदिर आज भी विभाग की उपेक्षा का शिकार रहते हुए मरम्मत की बाट जो रहा है। यह भगवान शंकर जी का काफी प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर बहुत ही भक्त आते हैं, काफी संख्या में आते हैं, बेल पत्र वगैरह पुष्प वगैरह चढ़ाते हैं, यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर की आज की डेट में देखा जाए तो काफी दुर्दशा है, पुरातत्व विभाग से भी मतलब काफी परेशानी हो रही है, पुरातत्व विभाग का कोई भी ध्यान नहीं है। यहाँ छज्जे टूटे हुए हैं, पट्टियाँ हैं जो टूटी हुई हैं, और वर्षा ऋतु में काफ़ी वर्षा के ऋतु में यहाँ पर एकदम पानी भर जाता है, बड़ी परेशानी उत्पन्न होती है और काफ़ी दिक्कतें हैं। यहाँ पे नीचे जो अतिक्रमण भी हो रहा है और यहाँ पे काफ़ी परेशानी उत्पन्न होती है भक्तों को। जैसे देखा जाए कि पानी की समस्या है, पानी भराव है, यहाँ पर गंदगी पनप रही है, और भी जो मंदिर की मरम्मत है उसमें भी काफ़ी दिक्कत है, कोई मरम्मत नहीं हुई है। देवस्थान विभाग को इसके बारे में कई बार अवगत कराया है, पुरातत्व विभाग को भी अवगत कराया है, लेकिन कोई भी यहाँ पर मतलब कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर राजभोग राशि 1200 रुपये सालाना मिलते हैं, इसी से मंदिर की सभी जरूरतों को पूरा किया जाता है, अन्यथा इसके लिए गवर्नमेंट से कोई भी वो नहीं है। पंचायत सहायक संघ धौलपुर का प्रतिनिधि मंडल आज जिला अध्यक्ष संतोष कौशिक के नेतृत्व में जिला कलेक्टर नेहागिरी से मिला, जिसने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वेतन दिलवाने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया है कि पिछले सत्र के कई माह तथा वर्तमान सत्र के माह मई जून व जुलाई का पंचायत सहायकों को अभी तक मानदेय नहीं दिया गया है, जिससे पंचायत सहायकों को अपने परिवार चलाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा पंचायत सहायकों को कंप्यूटर प्रशिक्षण का भत्ता भी अभी तक नहीं दिया गया है। ज्ञापन में रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले वेतन का भुगतान कराए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में योगेश सक्सेना, अनिल कटारा, शिव कुमार शर्मा, बनबाई लाल कुशबा, मुकेश गर्ग, रामबाबू परमार आदि लोग शामिल रहे। आज धौलपुर जिले के पंचायत सहायक संघ का प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर से मुलाकात करने आया है। जिले में 6-6 माह से पंचायत सहायकों को वेतनमान नहीं मिला है, ऊपर से कंप्यूटर प्रशिक्षण के आदेश कर दिए, तुगलकी फरमान जारी कर करके हम पर अतिभार कार्य का अतिभार डाला जा रहा है। ऊपर से गहलोत सरकार से हम ये भी मांग करते हैं कि शीघ्र ही हमारा कार्यकाल वृद्धि का एवं वेतन वृद्धि करके हमें समायोजन कर परमानेंट करने का अपना वायदा पूरा गहलोत सरकार को करना चाहिए। उप वन संरक्षक धौलपुर के आदेश पर जल शक्ति अभियान तथा वन महोत्सव के अंतर्गत रेंजबाड़ी में वनपाल नाका बसेड़ी द्वारा गांव-गांव जाकर निःशुल्क पौधे वितरित किए गए। इस दौरान आमजन को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही बरसात के मौसम में अधिक से अधिक पौधारोपण करने का संदेश दिया गया। वन कर्मी पवन शर्मा ने बताया कि प्रत्येक इंसान को अपने जीवन में कम से कम 2 पौधे रोपने चाहिए तथा उनकी देखभाल करनी चाहिए। पेड़ों का इस प्रकृति में अधिक महत्व है, साथ ही इससे इंसान का जीवन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। राजस्थान शिक्षा संघ सियाराम द्वारा चलाए जा रहे हरित पखवाड़े के तहत महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष पर उनके द्वारा चलाए गए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 की 77वीं वर्षगांठ पर शिक्षा संघ सियाराम की उपशाखा बाड़ी द्वारा आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में नगर पालिका चेयरमैन इरफान अहमद के मुख्य आतिथ्य एवं संगठन के प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में अशोक के पौधे लगाकर पौधारोपण किया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह एवं प्रधानाचार्य शशि कुमारी रहीं। मुख्य अतिथि इरफान अहमद ने कहा कि पौधारोपण का कार्य एक पुनीत कार्य है, जिसे हम सभी को बढ़ चढ़कर करना चाहिए। कार्यक्रम के अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज ने कहा कि संगठन द्वारा सामाजिक एवं पर्यावरण संरक्षण सरोकार के तहत जो पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है, उसमें सभी कार्यकर्ता पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि अजय प्रताप सिंह ने कहा कि जितने ज्यादा हम पौधे लगाएंगे उतना ही हमारा जीवन सुखमय रहेगा। शहीद छत्तर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमो द्वारा तसीमो में 40 साल की सेवा देने के बाद पोस्टमैन की नौकरी से सेवानिवृत्त हुए मुरारी लाल परमार का साफा व माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बैंड बाजों के साथ धूमधाम से तसीमो केला माता मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिया और इस दौरान जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त हुए मुरारी लाल परमार ने कहा कि अब मैं समाज हित और समाज के कार्यों में तत्पर रहूंगा,
वहीं शहीद समिति अध्यक्ष मांगीलाल मित्तल ने कहा कि इन्होंने अपना पूरा जीवन गांव के लिए और अपनी नौकरी के लिए दिया और 24 घंटे अपनी नौकरी के अलावा कार्य किया। इनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा। इस दौरान समिति पदाधिकारी व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सेवा काल की पूरी आयु पूरी करके आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ और अब समाज के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। जो भी काम होगा उसमें मैं पूरा अपना सहयोग दूंगा। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ द्वारा शाखा धौलपुर में रेलवे कर्मचारियों के लिए लागू न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त कर ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता नेत्रपाल सिंह ने एनपीएस की खामियां रेल कर्मियों को बताई, जिसमें बताया कि सेवानिवृत्त के समय हमारा फंड बाजार आधारित होने के क्या क्या नुकसान है व ओल्ड पेंशन के क्या फायदे हैं। इस अवसर पर सचिव पीके सोनी, कार्यकारी अध्यक्ष दीवान सिंह, चंदन साहू, मुकेश कुमार, हरीश कुमार, आरके सिंह, पवन कुमार, राकेश प्रसाद, गजेंद्र सिंह, प्रभास कुमार, अमर सिंह, मुकेश मीणा, मान सिंह, भूर सिंह, राम सिंह, हजारीलाल मीणा, शशिकला, कविता, सियाराम, संजय आदि लोग उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के सैंपू पुलिस वृत्त क्षेत्र के कोलाई थाना पुलिस ने अवैध हथियार सहित पकड़े गए आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी बिजेंद्र उर्फ कलुआ पुत्र कंगलिया जाटव निवासी मालोनी पवार को 315 बोर देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया था, जो कि किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने आर्म्स एक्ट की कार्रवाई के बाद आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया है। लिंग दोहा समिति की सिफारिशों के अंतर्गत राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव 2019-20 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। चुनाव प्रक्रिया 19 अगस्त 2019 को मतदाता सूची के प्रकाशन से प्रारंभ होगी। 27 अगस्त को सुबह 8 बजे से 1 बजे तक मतदान होगा तथा 28 अगस्त को सुबह 11 बजे मतगणना शुरू होगी, जिसके पूरे होने के बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी और विजयी उम्मीदवारों को शपथ दिलाई जाएगी। जैसा कि आज राजस्थान सरकार के द्वारा छात्र संघ चुनाव 2018-19 की घोषणाएं कर दी गई हैं। 27 तारीख को मतदान दिवस घोषित किया गया है, जिसको लेकर के कई दिनों से छात्र परिसर में और महाविद्यालय परिसर में हम देखने को मिल रहा था कि छात्रों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह था छात्र चुनाव को लेकर के और काफ़ी ज़्यादा हलचल भी हमें देखने को मिल रही थी, परंतु जैसे ही तिथियाँ घोषित की गई हैं छात्रों में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। राजस्थान सरकार कहीं ना कहीं छात्र चुनाव कराने के पीछे जो मंशा देखने को मिलती है कि कॉलेज की समस्याएं हैं उनको छात्रों के माध्यम से एक नेतृत्व करने वाले छात्र समय समय पर उठाते रहें और महाविद्यालय की समस्याओं का निस्तारण समय समय पर होते रहे, जिसको लेकर के छात्रों में एक नेतृत्व करने की क्षमता भी विकसित होती है। तिथियाँ घोषित होने के बाद अब अन्य अन्य संगठनों में छात्रों का आने जाने का जो माहौल है वो टिकट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और धौलपुर के जो कॉलेज हैं वहाँ हम देख सकते हैं कि 4-5 कॉलेज हैं और जिनमें कि सभी जगह चुनाव होने हैं, तो हमें लगता है कि सरकार और प्रशासन दोनों ही इस चुनाव को सही रूप में कराने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी, ऐसी हमारी सभी छात्र नेताओं की आकांक्षा और अपेक्षाएँ हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह परमार के आदेशानुसार जिला संरक्षक रमेश सिंह परमार, जिला प्रभारी विनय कुमार परमार व जिला अध्यक्ष सरनाम सिंह सिकरवार के द्वारा कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें हरिओम सिंह तोमर को जिला संयोजक व महेंद्र प्रताप सिंह परमार, मुकेश सकरवार, हरेंद्र सिंह परमार, प्रमोद कुमार परमार, देवेंद्र जादौन, राकेश सिंह परमार, संतोष परमार, राजेंद्र सिंह को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं आशीष प्रताप सिंह भदौरिया, संदीप प्रताप सिंह परमार, आकाश जादौन, मानु परमार, जयसिंह चौहान को महामंत्री व अमित तोमर, धीरेंद्र परमार, पारस परिहार, शिवनाथ परमार, लोकेंद्र तोमर, जानू परमार, ऋषभ परमार, शिवा शिक्रवार को संगठन मंत्री बनाया गया है। इसी प्रकार अभिनव सिंह को प्रवक्ता एवं शिवशंकर परिहार, प्रदीप सिसोदिया, योगेंद्र सिंह परमार, ब्रजेश शक्रवार, अशोक शक्रवार, कृष्णा शक्रवार, अविनाश ठाकुर, देवेंद्र तोमर, नीरज परमार, कमल सिंह, राहुल प्रताप सिंह परमार आदि को संगठन में शामिल किया गया है। रक्तदान के क्षेत्र में लगातार गत कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही टीम ब्लड 24/7 हेल्प धौलपुर का राज्य स्तरीय सम्मान होगा।
जीवन ज्योति फाउंडेशन द्वारा 11 अगस्त को हिंडौन सिटी में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रक्तदान के क्षेत्र में योगदान दे रही टीमों को सम्मानित किया जाएगा। टीम ब्लड 24x7 हेल्प धौलपुर से कमल ठाकुर को सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर ग्रुप के रोहित शर्मा ने बताया कि सम्मान समारोह में प्रदेश भर से टीमें हिस्सा लेंगी और समारोह के मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया होंगे तथा अध्यक्षता लक्ष्मण गौड़ द्वारा की जाएगी। इसी बीच ग्रुप के एडमिन गौरव स्रोती ने बताया कि मुझे गर्व है कि धौलपुर का रक्तदान के क्षेत्र में राज्य स्तरीय सम्मान होने जा रहा है और जिले के युवा रक्तदान के प्रति जागरूक हो रहे हैं।